गाजी की ये घटना अभी हम पीड़िता बहन से, उनके हस्बैंड से, उनके परिवारजनों से हम मिले हैं। मेरे साथ पूरे राजस्थान के दलित समुदाय के आंदोलनकारी साथी, यूपी के मेरठ से सुशील गौतम वगैरह भी आए हैं। एक बात बहुत साफ तौर पे कहने का मन कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा गंदी और घिनौनी हरकत हमने कभी सुनी नहीं है। बलात्कार करने वाले, सामूहिक बलात्कार करने वाले लोग इतने बेखौफ हो, पुलिस और प्रशासन का उनके ऊपर 1% भी खौफ नहीं है, और वो खुद बलात्कार करने के बाद उसका वीडियो बनाए, वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की धमकी दे और बकायदा उसको वायरल भी करे, और तब तक मानो पुलिस को साफ सूंघ गया हो। यहाँ के SP न केवल ठोस कार्रवाई करने की बात, एक मुकदमा तक दर्ज नहीं करवाते। तो इस परिस्थिति में पूरे भारत के दलित समुदाय की ओर से सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस SP को निलंबित करना पड़ेगा, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं चलेगा। हर कीमत पर ये SP सस्पेंड होने चाहिए, उनको उनकी नौकरी में से हाथ धोना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम दलित समाज के लोग ऐसा मान के चलेंगे कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को आज भी इस घटना की पूरी गंभीरता नहीं। 26 तारीख को घटना होती है, 30 तारीख को वो SP को मिलते हैं, तो SP को एट्रोसिटीज का कानून जो बना है वो किस लिए बना है? घटना बनने के बाद पुलिस कार्रवाई करे ऐसा नहीं, एट्रोसिटीज की वारदातें ना हो इसके लिए कानून बना है। यहां तो घटना होती है, रेप विक्टिम और उनके हस्बैंड जाकर SP को मिलते हैं, कहते हैं कि हम लोग दहशत में जी रहे हैं, कहते हैं कि हमारी जान पर बनाई है, कहते हैं कि हमारी जान पर खतरा है, कहते हैं कि हमारा वीडियो उनके पास है, वीडियो कभी भी वायरल कर सकते हैं। इन सबको देखते सुनते हुए उनकी जिम्मेवारी थी कि तुरंत कार्रवाई करते, मुकदमा दर्ज करते, जिन अक्यूज के पास ये वीडियो है उनकी गिरफ्तारी करके ये वीडियो सर्कुलेट ना हो वो सुनिश्चित करवाते, उनकी इमीडिएटली विक्टिम की मेडिकल जांच करवाते। न ऑफेंस दर्ज होता है, न पीड़िता की मेडिकल जांच होती है, न आप वीडियो बरामद करते हैं, और जब तक जनता का प्रेशर नहीं बनता, जब तक पूरा वीडियो वायरल नहीं हो जाता, इस बहन की आबरू पूरे देश के सामने नीलाम नहीं होती, तब तक यहाँ की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ की सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, और इसलिए हम लोगों ने तय किया है ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक SP को निलंबित न किया जाए। सर, देश के प्रधानमंत्री ने इस पे बयान दिया है, कहा है कि बड़ी दुखद घटना है, कांग्रेस सरकार ने वोट बैंक चुनाव के चलते, वोट बैंक बचाने के चलते ऐसा किया, अब वो अवार्ड। अभी हम गुजरात से आ रहे हैं, लोग कहां गए? अभी हम गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात के अंदर भी बलात्कार की पीड़िताओं के मामले में मोदी जी खामोश रहे हैं, उनके चरित्र को हम अच्छे से पहचानते। अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद जिले के बावला तहसील में एक दलित बच्ची का खून कर दिया, 3 गांव में घोड़ी चढ़ने पर उतार उतार कर मारा है, उनका सोशल बॉयकॉट हुआ है। मोदी जी से अपील है कि कृपया राजनीति बंद करिए, आपके चरित्र से हम वाकिफ हैं। आगे अब क्या स्टेप रहेगा सर? आगे हमारा यही स्टेप रहेगा कि हर कीमत पर SP को निलंबित किया जाए, ताकि पूरे देश के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। एट्रोसिटीज का कानून कोई ऑर्डिनरी कानून नहीं है, एक स्पेशल लेजिस्लेशन है। ये स्पेशल लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में तब पारित हुआ जब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट इस जाति व्यवस्था को डील करने में निष्फल गया, तब जाके स्पेशल कानून बना है। और इस कानून का पर्पज ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, यानी कि अत्याचार न हो वो सुनिश्चित करना। यहां पर तो बलात्कार की पीड़िता उसके हस्बैंड के साथ थाना जाती है, CO के पास जाती है, SP के पास जाती है, और फिर भी किसी के पेट का पानी नहीं हिलता। मतलब ये तो जितना बलात्कार का कृत्य अमानवीय है, इतना ही ये SP का रवैया भी अमानवीय है। और इसलिए हमारी मांगे, ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनको निलंबित न किया जाए। हम चाहते हैं कि पूरे देश के सामने एग्जाम्पल सेट हो, और मामला ये केवल दलित का नहीं, मामला नारी के सम्मान का है। राजस्थान की तो संस्कृति है ना कि पधारो मारे देश। अरे कौन अपनी बहन बेटी को लेकर राजस्थान घूमने आएगा यदि यहाँ पर आपने राजस्थान को रेपिस्तान बनाकर रखा है? ये सवाल अशोक गहलोत को भी पूछना चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन को लेकर यहाँ BJP अपील कर रही है कि CBI से इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए, भाजपा के लोग, उनको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिल गया है तो राजनीति कर रहे हैं। गुजरात में 3 जगह पर से घोड़ी पे उतार के हमारे लोगों को मारा है, तो वहां जाके कुछ करिए ना, ऊना के पीड़ितों को न्याय दीजिए ना। ऊना का मामला पूरी दुनिया के सामने है, आज भी उनके पीड़ितों को न्याय नहीं मिला।
तो गुजरात का हमारा अनुभव ये कहता है कि सबका साथ सबका विकास माइनस दलित आदिवासी एंड मुसलमान, तो वो कृपया भाजपा के लोग नसीहत ना दे। हम लड़ने वाले दलित समुदाय के आंदोलनकारी बहुत से लोग हैं, वो लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे।